हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और मैं बना रही हूँ मटन कीमा, उसको मैं आज खड़े मसाले में बनाऊँगी। मसाला पीस कर बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, सब कुछ कट करके डालूँगी। बहुत ज़्यादा यमी बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं खड़े मसाले का या कटे मसाले का मटन कीमा। 1 किलो मटन का कीमा बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 4 बड़े साइज़ का प्याज रफली चॉप्ड कर लिया है और मैंने उसको तेल में डाल दिया है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से, और ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें फिर खड़ा गरम मसाला और कीमा वगैरह डालूँगी। तो पहले इसको फ्राई कर लेंगे और फटाफट, बहुत ही जल्दी फटाफट बनता है, तो बस पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। जब तक प्याज फ्राई होती है मैं मसाले निकाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर खड़े गरम मसाले निकाल लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा है और बहुत ही थोड़ी सी काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है, 4 लौंग है, छोटा टुकड़ा दालचीनी का है और 2 अक्खी लाल मिर्च है और 2 तेज़पत्ता है और बीच में मैंने जायफल रखा है। इसको मैं थोड़ा सा घस के डालूँगी, इससे थोड़ा सा घसूँगी और इसको डाल दूँगी। खड़े मसाले के कीमे में सब कुछ कट करके ही डालते हैं, खड़ा खड़ा गरम मसाला है। और यहाँ पर मैंने ढेर सारा लहसुन को चॉप कर लिया है और बहुत सारी अदरक को भी मैंने बारीक चॉप किया है। और बस इन सबको डालकर बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और 4 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर हैं, उसको भी मैं अभी काट लूँगी। कड़ी पत्ता लिया है और 4-5 हरी मिर्च है, तो बस इन सबको रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पर हमारी प्याज भी फ्राई हो रही है, तो अभी सबसे पहले मैं इसमें खड़े गरम मसाले हैं उसको डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। और बस इसी के साथ ही इसमें मैंने कीमा डाल देना है। 1 किलो कीमा है, काफ़ी अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश करके छन्ने में रख दिया था, इसका पूरा पानी निकाल दिया है। और बस इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है, इसका स्मेल वगैरह है, वो निकल जाए। प्याज में गरम मसाले डाल दिया है और कीमा डालकर इसको थोड़ी देर ढक्कन को ऐसे ही बस बंद करना है, लॉक नहीं करना है। इसको रख के 5 मिनट के लिए पका लिया है, तो ये इसका तेल भी ऊपर आ गया है और काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो गया है। और अब इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ, तो 4 बड़े साइज़ का टमाटर है और कड़ी पत्ता है, 4-5 हरी मिर्च है, तो इन सबको भी इसमें डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें पिसा हुआ मसाला कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और हाँ बस ये नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच नमक भी मैं बहुत कम डाल रही हूँ, बाद में उसको टेस्ट कर लेंगे। और अब मैं इसमें जो लहसुन मैंने चॉप करके रखा था वो लहसुन डाल दूँगी। इसको अच्छी क्वांटिटी में डालना है, तो मैंने इस टीस्पून से 3 चम्मच भर के लहसुन डाल दिया है। और अब इसमें अदरक भी डाल देंगे साथ में ही और अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। और देखिए माशाल्लाह, चॉप किया हुआ अदरक भी कितना प्यारा लग रहा है। और ये कटे मसाले का कीमा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, आप भी ज़रूर से बना के एक बार ट्राई करना। और बस इसको अभी सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर के ढक्कन को बंद करके 3-4 सीटी कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सब कुछ मिक्स करके मैंने कुकर के ढक्कन को बंद किया, 4-5 सीटी कर लिया और फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, प्रेशर निकल गया, पूरा रिलीज़ हो गया। तो अभी मैंने कुकर को खोल के देखा है, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है और तेल भी पूरा ऊपर आ गया है। लेकिन अभी मैं इसको अच्छे से एक बार भून लूँगी और इसके अंदर जो भी पानी वगैरह है उसको अच्छे से भूनूँगी। तो गैस को मैंने ऑन कर लिया है और इसमें जो पानी वगैरह है इसको मैं भून लूँगी। और पानी इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था, टमाटर का और कीमे का जो भी पानी था वही पानी निकला है। तो बस इसको मैं भून रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पर नमक मिर्च वगैरह टेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है और इसमें मैं ढेर सारी धनिया गार्निश करूँगी और इसमें कोई शोरबा वगैरह नहीं लगाना है, ये भुना ही बहुत अच्छा लगता है। और माशाल्लाह हमारा बहुत ही बेहतरीन सा कटे मसाले का या खड़े मसाले का कीमा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये सुबह के 5 बजे मैंने बनाया है, तो बस अभी नाश्ते के लिए तैयार है और अभी फटाफट से पराठा बनाते हैं और नाश्ता सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही यमी वाला, बेहतरीन वाला कटे मसाले का कीमा और पराठा बन गया है और मैंने नाश्ता सर्व कर दिया है। ये सुबह सुबह किसी की स्पेशल फरमाइश पर मैंने
5 बजे बनाया है और बस नाश्ता लग गया है, तो आप भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। ये मुंबई स्टाइल कीमा पाव बहुत बेहतरीन लगता है, लेकिन मैंने साथ में पराठा भी बनाया है, तो आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, अल्लाह हाफिज़।